क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ढोंगी है क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भगवान मेरी जनता है और मैं उन जनता से जुड़ा हूँ। इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक करके अपना नाम कर लो यार। तुम भी नाटक करोगे तो उस नाटक के बदौलत कम से कम 2-4-10 लोगों का भला तो हो जाएगा। तो तुम भी नाटक करो, और वो नाटक शुरू हो गया है। अब सब लोग भाई सामग्री बांटना शुरू कर दिए आज के डेट में, सब लोग बाढ़ पीड़ितों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, सब लोग गरीबों का दान करना शुरू कर दिए हैं, गोद लेने की भी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मुझे गाली देता है उसी को गोद ले लेते हैं, अब उनको क्या कहिएगा भाई। अगर हाँ है, यहाँ धरती पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में जा सकता है भाई, तो खुद ही उनको गोद लेता है। तो मैं गरीबों को गोद लेता हूँ, मैं असहाय लोगों को गोद लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो खेसारी को तुम गाली दे दो मेरे गोद में बैठ जाओ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, किसी को गोद ले रहा है ना आदमी, कम से कम वो विचारधारा तो दिमाग में आया कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वो नाजायज करता है लेकिन आप गोद में तो ले रहे हो। तो यहाँ पत्थर साधु पे ही चलता है, कोई क्रिमिनल पे नहीं चलता है। तो अच्छा बात है ना कि मैं उस विचारधारा में हूँ, कम से कम सर कुछ तो कर रहा है वो मेरे लिए, अपना काम छोड़ के। आप इसको आदमी को जो भी मेरे बारे में जो भी बोलता है उसको तो पूछना चाहिए, मुझे उसको तो पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए कि जो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर। तो ये दुनिया है और ये दुनिया बोलेगी, और दुनिया पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग है वो, उनके विचारधारा में मैं नहीं आता, तो शायद वो मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलेंगे, अच्छी बात है, कहाँ बुरा है, मैं किसी की बातों को बुरा मानता ही नहीं, सबको समय बता देता है सर, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वो समय आएगा ये भी कि मुझे लगता है कि हाँ वो समय जरूर आएगा जब वो उस जगह पे खेसारी नहीं कोई और होगा, और वो विधि जो मेरे साथ हो रही है वही विधि उसके साथ होगी, तो शायद वो खेसारी बन के नहीं कुछ और बन के उनका हिसाब करेगा। इसीलिए मैं चुप रहता हूँ कि भाई आदतें अपने दिमाग में रखो, आज नहीं तो कल फिर किसी के लिए तुम बोलोगे और वही चीज है तुम्हारे साथ होगी। अच्छा भैया, होली आवे वाला बा तो कोई ऐसा यादगार चीज, कोई भौजी वाला कहानी? भौजी वाला कहानी हमारे एक बार पैंट खुल गई रहे बाबू, एक्चुअली पहले हम बहुत रबड़ वाला हमने के पैंट पहनी जाए ना गाँव में, तो वो बीचवे से फाट गई रहे, पैंटवा बीचवे से फाट गई रहे, हम अंगना में गनी तो बिछलहर रहे, आ जब अंगना में गनी बिछलहर रहे ना तले गोड़ावा हमार स्लिप कैलस, आ दोनों साया खानी ऊपर हो गई, आ तीन गो भौजाई मिल के जो हमार दुर्दशा गली जाए आजो हमारे याद रहे, तब से रबड़ वाला पैंट पहनल छोड़ दे। ओके थैंक यू। कोई वो गाना गुनगुना दो भैया होली वाला। 2 रुपया हो 2 रुपया चोली रंगाई तुहर 2 रुपया हो साया रंगाई पौने 2 रुपया, जो कि आज मुझे लगता है 25 दिन में 74 से 75 मिलियन हो गया है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं मुझे किसी के फर्क नहीं भाई, जितने लोगों को गाली देना है खूब शौक से दो, आई एम हैप्पी, इसलिए हैप्पी हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है आजकल। इधर 1 महीने से तो मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना, खूब मजा आ रहा है मुझे, इसलिए मजा आ रहा है कि यार इतने सारे लोग प्यार करते हैं मुझे। सर आपके बारे में जो कोई सोचता है वही बड़ी बात है, उसको अनाथा अगर आप गाली ले लोगे, गाली समझ लोगे, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए दुश्मन हो जाएगा। उसको गाली मत समझो, उसको प्यार समझ लो, तो वो भी अच्छा लगने लगेगा। तो हमारे नेचर, हमारे सोच जो होते हैं वो हमारे विचारधारा से मिलते हैं, और मैं ऐसा ही सोचता हूँ, किसको गाली देना है भाई, तो अपना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो लव यू ऑल, इस चैनल के देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम, और ऐसे ही होली की ढेर सारी शुभकामना। इस चैनल के जितने भी लोग हैं आप सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, और अभी मेरा ब्रेक हो गया है, अभी मैं खाना खाने जाऊंगा, इसलिए ऐसे ही होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय भोजपुरी।